पार्टी के लिए मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ रही है। जी हां, आप सबको बता दें, शिवसेना गठबंधन सरकार तो खतरे में है ही। राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार गिरती गिरती नजर आ रही है। स्थिति ऐसी बनी है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ की स्थिति बता दें, गुजरात और में विधानसभा चुनाव होने से पहले छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 से पहले ही रिपोर्ट जो ऐसी आई है आंतरिक, जिससे भूपेश बघेल की परेशानी बढ़ गई है। बघेल सरकार गिर सकती है। जी हाँ, कई कांग्रेसी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चिंताजनक बताया जा रहा है। माने अगर सूत्रों की तो बस्तर व सरगुजा संभाग में आदिवासी समाज की कांग्रेस विधायकों के प्रति नाराजगी काफी बढ़ गई है। जी हाँ, अब यहाँ आपको बता दें कि क्षेत्र में सरकार के आश्वासनों के मुताबिक ज्यादा काम नहीं हो पाया। कांग्रेस संगठन और विधायकों के बीच आंतरिक कलह की बातें लगातार सामने आई है। वही स्थिति जो राजस्थान में बनी हुई है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री के पद से अशोक गहलोत को हटाया जाए। अब छत्तीसगढ़ में चुनावी मिशन से पहले ही वहां के मुखिया जी भूपेश बघेल जो उतर कर प्रदेश सरकार की जमीनी हकीकत को देखेंगे मैदान पर, 90 विधानसभा क्षेत्रों में बारी बारी जाएंगे, वो कामकाज और कांग्रेस संगठनों को टोह भी लेंगे। ऐसे में आंतरिक सर्वे में 71 में से 35 विधायकों की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया गया है, जो कांग्रेस के हैं। सीएम के खराब प्रदर्शन के वाले विधायक को भी दो टूक नसीहत देते हुए देखा गया, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं। ऐसे में आपको बता दें, सरकार गिरने से पहले बघेल अहाली में मीडिया के सामने आए, मुखातिब भी हुए लोगों से। स्टार पार्टी को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा। मुसलमानों को फिर भी खुश करने में वो लगे हैं, क्योंकि डर उनके अंदर बैठा है कहीं कांग्रेस सरकार न गिर जाए, कहीं उनकी कुर्सी उनसे छीन न जाए। रेलवे ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात मानी थी। छत्तीसगढ़ को लेकर कई तरह की चर्चा हुई है। किसानों के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला तेलंगाना का है, बघेल सरकार भी इसे अच्छा बता रही है। राकेश टिकैत ने ये स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा आप सबको जानकारी देना चाहेंगे, इस वक्त भूपेश बघेल कई तरह के सवालों में है। जिले का दौरा करेंगे आज से वो नए। इसके बीच उन्होंने दावत इफ्तार के जरिए अमन का पैगाम जाहिर किया। राज्यपाल और सीएम रोजेदार के बीच मंच पर लिखा जहां था मस्जिद नहीं सिखाता अलग रहना, वहां पर इफ्तार पार्टी करते नजर आए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।